इमार पाकिस्तान सुपर लीग में आपने अपनी फ्रेंचाइज अब इवन इनफैक्ट आप कैप्टन भी थे कराची किंग्स के आपकी बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में कराची ने भी आपको आ, सी ऑफ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड आपने ज्वाइन किया है क्या फीलिंग है आपकी Uh, uh, देखें आठ साल कराची के साथ खेले और uh, जितना प्यार कराची वालों ने दिया किसी ने नहीं दिया लेकिन नाउ गोइंग बैक टू माई होम टीम मैं इस्लामाबाद से ही हूँ इस्लामाबाद में ही रहता हूँ सो so इस्लामाबाद से खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली और ऑब्वियसली uh, बात है जब उन्होंने ट्रेड की तो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं इस्लामाबाद से खेलूँ सो यान गोइंग टू बी ए गुड आई थिंक इस साल इस्लामाबाद को जिताने में जितनी कोशिश कर सकूंगा उतना पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। किंग्स के फैंस को मिस करेंगे क्योंकि आप आप चैंपियन भी बने ट्रॉफी भी आप एक जीत के आए एक ही ट्रॉफी कराची के पास रही है बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे मुझे हमेशा सपोर्ट मिलती है मैं पाकिस्तान की तरफ से भी जब कराची में खेलता है तो सपोर्ट मिली है सो आई आई नो के कराची किंग्स के फैन सपोर्ट तो करते हैं हमेशा से और करेंगे अपनी टीम को भी करेंगे और अगर हमारा मैच हुआ Uh, किसी और टीम से वहाँ पे तो मुझे लाजमी सपोर्ट करेंगे मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ क्योंकि uh, आठ साल कराची के लिए लॉयल्टी और uh, फेयर तरीके से खेला और कोशिश की कि कराची वालों को जितनी खुशियाँ दे सकें उतना है अब इस्लामाबाद की बारी इमान आप मैं जानता हूँ आपके नेचर को आप एक टीम मैन है इसमें कोई शक नहीं है अब एक कैप्टन को एक प्लेयर के तौर पे खेलना एडजस्ट करना बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है आप इस इस चेंज को अब आप, आप कैसे फील करते हो कैसे एडजस्ट एक क्रिकेटर कर सकते हैं इस इसके क्या ओपिनियन है नहीं इट डजेंट मैटर प्रोफेशनल को ऐसे सोचना नहीं चाहिए ये एक अपरचुनिटी uh, होती है और ऑनर uh, होता है किसी टीम को कैप्टन करना और uh, और ये फ्रेंचाइज़ के लोगों के हाथ में होता है uh, तो फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में कैप्टनसी करें ना करें इट डज़ नॉट मैटर और ऑल दो अपॉर्चुनिटी मिली तो लाजमी uh, मैं लेता लेकिन आई uh, थिंक uh, हमारी टीम में शताब खान बहुत ज़बरदस्त कप्तान है बहुत अरसे कप्तानी कर रहे हैं सो मुझे कोई इशू नहीं है शताब के साथ मैं दो से खेल रहा हूँ और हम लोग नॉर्थन uh, की टीम में भी साथ खेलते हैं सो बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है और uh, Uh, दोस्ती यारी भी हमारी बहुत अच्छी है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक छोटी सी बात कराची किंग्स को मैंने देखा कि समटाइम प्ले ऑफ़ जब इनके लिए टफ़ हो जाता था तो क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाते थे कराची किंग्स के लोग आ, आपकी टीम यूनाइटेड पिछले दो सीजन के अंदर प्ले ऑफ में नहीं आ सकी है तो वो बिल्कुल मुश्किल हालात में किंग्स को हमने देखा इवन एक दफ़ा कैरन प्लॉट ने जितवा दिया है पिछली चार पाँच इनिंग्स आपने जितवाई हैं सो so, ये जो यूनाइटेड प्ले ऑफ में नहीं जा पा रहे हैं अब आपके आने से एक टीम में बरकत भी आएगी क्योंकि आप मुश्किल हालात में अपनी टीम को प्ले ऑफ में लेके जाते रहे हैं कोशिश यही है देखें यूनाइटेड हमेशा से बैटिंग हैवी रही है और आ, उनकी जितनी बैटिंग ज़बरदस्त है आ, उतनी बॉलिंग ने इतना सपोर्ट नहीं किया ऑल दो दो चैम दो बार चैम्पियन बने लेकिन कुछ सालों से जब यूनाइटेड मैचेस खेल रहा था तो हमें मुझे ऐसा फ्रॉम द आउटसाइड फील होता है कि बॉलिंग थोड़ी सी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन अब नसीम के आने से और एक दो ऑल लड़के आने से बॉलिंग आप, बहुत स्ट्रांग अपना भी नाम ले सकते हैं हाँ जी बॉलिंग स्ट्रांग है और यही चीज़ देखनी होती है कि पावर प्ले के बॉलर्स और डेथ ओवर के बॉलर्स टी ट्वेंटी में बहुत ज़रूरी होते हैं सो आई थिंक आई थिंक वेल बैलेंस कॉड अभी तक जितने भी आठ हमने रिटेन किए हैं सो होपफुली और भी अच्छे पिक्स में मिलेंगी बात आखिरी सवाल आपका पिछला पी एस एल बहुत अच्छा गया था बैटिंग बॉलिंग की वजह से अगर एक और सीज़न आपका अलग करे अच्छा चला जाए तो उसके बाद ग्रीन शर्ट की वापसी कंसिडर हो सकता है माइंड में चल रहा है कहीं ना कहीं देखें वो बात की बात है अभी मैं बिल्कुल टोटली फ़ोकस कर करूँ टी, टी, टी टेन पे बिग बैश, बैश पे और पी एस एल पे उसके बाद अल्लाह ताला के कोई काम बरकत अल्लाह ताला हर काम में डालता है खेलूँ ना खेलूँ बस बरकत डाले और परफॉर्मेंस करता रहोँ और इज्जत के साथ खेलता रहूँ बस इसके इससे आगे कुछ नहीं है चाहे ग्रीन शर्ट हो चाहे फ्रेंचाइज हो इज़्ज़त और बरकत के साथ और परफॉर्मेंस करने के साथ खेलें थैंक यू गुड लक अपने अगले नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए इमाद वसीम के अपने गुफ्त सुनी